राजीव, पिछले 10 साल हम देखें तो सरकार एक तरफा फैसले लेती रही है, लेकिन जैसा कि संजीव ने जिक्र किया कि इस बार आंकड़े बदले हुए हैं। अब सरकार उस स्थिति में नहीं है कि एक तरफा फैसले ले, अब साथियों को साथ लेकर चलना होगा, जिसमें मैंने अभी जिक्र किया कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर टकराव रहा है और आज वो पार्टियां सरकार के साथ हैं। तो ऐसे में जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि देश तो इसी उम्मीद में है कि जो समस्याएं हैं और जिन पर सरकार को नुकसान भी हुआ है और विपक्ष अपनी रणनीति में कामयाब भी रहा, वहां पर सरकार कैसे हल निकालने में कामयाब रहेगी, क्या रूपरेखा होगी, क्या प्लानिंग होगी, क्या रोड मैप रहेगा। देखिए, ज्यादातर बातें हमारे सहयोगियों ने बताई दी हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर। देखिए, पुरानी संसद में तो राष्ट्रपति का अभिभाषण सेंट्रल हॉल में होता था, लेकिन नई संसद में कोई सेंट्रल हॉल नहीं है, तो जो लोकसभा का कक्ष है उसी में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और पिछला अभिभाषण जो जनवरी में हुआ था, उसमें राष्ट्रपति ने अपनी 10 साल की सरकार की उपलब्धियों का बखान किया था। ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, ये आने वाले 5 वर्षों में सरकार की नीतियाँ क्या होंगी, दिशा और दशा क्या होगी, उस पर उनका केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। ध्यान होगा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, पिछली बार राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में राम मंदिर का जिक्र किया था और उन्होंने 370 का जिक्र किया था, तमाम ऐसी बातों का जिक्र किया था जो मोदी सरकार, जिसका क्रेडिट पिछले 10 साल में ले रही थी, और देश चुनाव में जा रहा था और राष्ट्रपति का अभिभाषण भी उसी तरह था। विपक्ष की संख्या उस तरह से थी नहीं, विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तमाम उस समय भी विरोध और अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। अब राष्ट्रपति, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के अभिभाषण में, क्या वो चीज़ें है, या राष्ट्रपति का अभिभाषण एनडीए सरकार का अभिभाषण होगा कि बीजेपी सरकार का अभिभाषण होगा, ये बिल्कुल साफ पता चल जाएगा। कौन से मुद्दे छुए जाएंगे और कौन से छोड़ दिए जाएंगे, इस पर नज़र रहेगी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में बहस होती है, और बहस में पहले आप बहुत कम वक्त, अगर सत्ता पक्ष के मुकाबले देखा जाए तो बहुत कम वक्त विपक्ष को मिलता था। 10 सालों के बाद ये राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण होगा जिसमें तकरीबन जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में भाषण का जो टाइमिंग है वो बहुत मामूली सा अंतर होगा। मान लीजिए 18 घंटे की बहस है तो 10-10.5 घंटे सत्ता पक्ष को मिलेंगे तो 8 घंटे विपक्ष को भी मिलेंगे। पहले 18 घंटे की बहस थी तो 14 घंटे सत्ता पक्ष को मिलते थे, 3 घंटे विपक्ष को मिलते थे, और उसमें भी पार्टियों के लिहाज से तो और भी कम। जो समाजवादी पार्टी पीछे अभी जनवरी में 3 सांसदों वाली थी, वो अब 37 सांसदों वाली है, तो आप समझिए 10 गुना नहीं बल्कि 12 गुना उनकी सदस्य संख्या बढ़ी है, तो उनके पास 12 गुना वक्त भी बढ़ेगा। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां, तो विपक्ष की आवाज़, विपक्ष की बात इस बार बराबर ध्वनि सुनाई देगी, ये एक अलग बात होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का भाषण होगा, राहुल गांधी का भी भाषण होगा, अखिलेश यादव का भी भाषण होगा। तो बात यह है कि जो मुद्दे जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति आने वाले दिनों में बना रहा है, वो सारे मुद्दे करीब करीब हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी और गौरव दोनों ने बताए, लेकिन मूल बात यह है कि निगाहें इस पर हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, बदली हुई सरकार नज़र आती है। UCC, NRC, जनसंख्या नियंत्रण, तमाम वो मुद्दे जो इस चुनाव से पहले लग रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को 400 सीटें 300 सीटें मिली, तो ये मुद्दे अगली सरकार में उनकी प्राथमिकताओं में होंगे। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमें यही देखना है कि वो कौन से मुद्दों को छूती हैं और किसे छोड़ कर निकल जाती हैं, और सरकार की प्राथमिकताओं में चीज़ें क्या हैं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद और देश के बहुत ज़्यादा लोगों की उम्मीद इस बात पर है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात शायद राष्ट्रपति के अभिभाषण में आज सुनाई दे, और मुझे तो लगता नहीं नीट के मामले में कुछ, लेकिन अग्निवीर योजना के बारे में निश्चित तौर पर लोगों की बहुत अपेक्षाएँ हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस पर
कोई संकेत आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सेना तीनों मतलब सेनाओं का भी राष्ट्र के प्रमुख होने के बाद सेना का भी प्रमुख राष्ट्रपति हैं। तो ये एक संभावना बहुत लोगों को नज़र आ रही है कि अग्निवीर की समीक्षा या उसमें बदलाव की कोई बात आज राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में कर सकती है। देश के युवाओं की उस पर, किसानों की, नौजवानों की निगाहें इस बात पर भी लगी। राजीव, ये मैं छोटा सा जवाब इस पर और चाहती हूँ आपसे कि विपक्ष तो घेरेगा, उनकी प्लानिंग है जिसका संजीव ने भी जिक्र किया, लेकिन अभी जिन मुद्दों का जिक्र आपने किया जिसमें यूसीसी, एनआरसी और जाति जनगणना, इसमें जो सहयोगी हैं अभी बीजेपी के, उनमें कभी भी एक सहमति नहीं रही, बहुत इसमें विवाद रहा, सवाल उठते रहे, तो ऐसे में इन मुद्दों पर सरकार कैसे उनको मनाने में कामयाब रहेगी, या इनको अभी छोड़ देगी, ठंडे बस्ते में ये चले जाएंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये अगर मुद्दे आगे बढ़े तो सहयोगियों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, उनका बिहेव इस पर कैसा रहेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अब तक इसमें टकराव रहा है इन पार्टियों के साथ जो अभी सहयोगी हैं बीजेपी की। देखिए, जब से चुनाव के नतीजे आए विपनेश, एक बच्चों की तरह बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चुनाव के नतीजे ऐसे आए हैं तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और सहयोगी अपना कोई रुख दिखा सकते हैं और सरकार को संकट में डाल सकते हैं, ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी। बहुत सारे लोग इस तरह की खबरों की कयास लगाते रहते हैं। ये एक इमेच्योर या इमेच्योरिटी मैं कहूँगा कि है, जब 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं तो अभी जो सहयोगी उनके हैं वो सहयोगी की जगह अभी शरणागत की भूमिका में है। उसकी कई वजह हैं, नीतीश कुमार की उम्र और उनके, आप देख ही रहे हैं जिस तरह की बातें वो बीच बीच में करते रहते हैं। जेडीयू को सबसे ज़्यादा चिंता, यहाँ तो संसद बन गई और जेडीयू के यहाँ मंत्री बन गए और उनका दबदबा, उनका काम धाम सब ठीक होता रहेगा, और जेडीयू को अब चिंता आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव की है, और इसलिए बीजेपी उसकी ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। ये फैसला लेना, जब तक भी जेडीयू यानी नीतीश कुमार अपनी अगले पलटने का फैसला न कर लें तब तक उनको बीजेपी की ज़रूरत ज़्यादा है अब इन दिनों, क्योंकि आपको पता है कि अगर जेडीयू को हटा दें तब भी अभी बहुमत की संख्या एनडीए के पास रहती है। दूसरी, चिराग पासवान से और एकनाथ शिंदे से आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के नेतृत्व के सामने कोई अड़ियल रुख अपना सकते हैं। तो अभी जो स्थिति है उसमें चंद्रबाबू नायडू, और उनकी भी, चंद्रबाबू नायडू इतने दिनों के बाद सत्ता में आए हैं, और जो वो प्रोजेक्ट का नाम मुझे भूल रहा है, वो जो इरिगेशन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए बहुत पैसे की आवश्यकता, और उनकी चुनावी प्राथमिकताओं में वो पहला रहा था, और उसके लिए उनको अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत होगी। तो अभी ये जो रीजनल पार्टीज़ के नेता हैं, अभी 2-4-6-8 महीने साल भर ये वेट एंड वॉच पॉलिसी और केंद्र सरकार से जितना मिल सकता होगा उतना लेने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि वो कोई दबाव बनाने की कोशिश करें। तो अभी आज की जो स्थिति है उसमें सहयोगी आपकी जगह मैं शरणागत दल के तौर पे उनको ज़्यादा देखता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी समन्वय और सामंजस्य दिखाने की कोशिश करेगी। पहले उसका ये रुख था कि जो हम चाहेंगे वो, हम अगर मिट्टी पे हाथ रखेंगे तो सोना हो जाएगा और सोने से हाथ हटा ले जाएंगे तो वो मिट्टी हो जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हुआ है, और अगर न भी हुआ हो तो वो दिखाने की कोशिश करेगी कि हमसे ज़्यादा लोकतांत्रिक, हमसे ज़्यादा समन्वय करने वाला, हमसे ज़्यादा सहमति लेने वाला कोई दल नहीं है, वो ये कोशिश करेगी। जी, सही कह रहे हैं राजीव, आप अभी लेने की भूमिका में हैं, साथ चलने की भूमिका में हैं।